हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अभिषेक प्रोडक्ट्स यूट्यूब चैनल। और आप हैं इस वक्त हमारी शोरूम के अंदर, जिसके अंदर हम लोग आपको सप्लाई कर सकते हैं आईडी कार्ड, लैमिनेशन, बाइंडिंग या फिर कोई भी दूसरे पेपर कटिंग और पेपर बाइंडिंग से रिलेटेड जो मशीन्स होती हैं, हम लोग आपको इस शोरूम के थ्रू उस प्रोडक्ट का डेमो देते हैं, आइडिया देते हैं, उसकी मार्केट स्ट्रैटेजी बताते हैं और साथ ही साथ आपको ये आइटम सप्लाई भी करते हैं, सेल भी करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं TSC लेबल प्रिंटर के बारे में, स्पेसिफिकली एक बेसिक आइडिया देने के लिए कि अगर आप ये प्रिंटर हमसे परचेज करते हैं और जब उसके आप स्टिकर रोल्स लेते हैं हमसे, तो कैसे आप उस प्रिंटर के थ्रू अपने स्टिकर रोल्स कैसे प्रिंट करेंगे। एक बेसिक डेमो है इस पूरे वीडियो के अंदर कि आपको वो प्रिंटर किस तरह से यूज़ करना है बेसिकली। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको हमसे कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना हो, कोई डिटेल जाननी हो, तो नीचे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए बिटवीन 11 AM टू 6 PM मंडे टू सैटरडे ओनली। थैंक यू। तो ये है हमारा TSC प्रिंटर, ये कुछ इस तरह से दिखता है बाहर से। अगर आप यहाँ इसे साइड से ओपन करेंगे तो यहाँ इसका ये रहा लेबल, ये रहा इसका रिबन, ये रहा इसका पुश बटन और ये रहा इसका पॉजर प्ले बटन। और ये इस तरह के रोल अंदर जाते हैं इस प्रिंटर के अंदर। ये 2x2 इंच का लेबल है, ये 2x1 इंच का लेबल है, ये 3x4 इंच का लेबल है। तो ये अन्य कई तरह के लेबल के साइजेस हैं जो एक ही प्रिंटर के अंदर प्रिंट होते हैं। और इस अलग अलग तरह के साइज़ के जो लेबल्स हैं, अलग अलग वैरायटी के, ये पूरे कंट्रोल होते हैं एक सॉफ्टवेयर से जिसका नाम है बार टेंडर सॉफ्टवेयर। और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये बार टेंडर सॉफ्टवेयर किस तरह से यूज़ होता है। तो सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है बार टेंडर सॉफ्टवेयर। बार टेंडर सॉफ्टवेयर अब आप कहाँ से इंस्टॉल करेंगे? बार टेंडर सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे एक CD से जो आएगी आपके प्रिंटर के साथ, TSC लेबल प्रिंटर के साथ आपको एक CD आएगी, उसके अंदर आप प्रिंटर के ड्राइवर इंस्टॉल कीजिए और साथ ही ये बार टेंडर सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कीजिए। ओके, इंस्टॉल करने के बाद उस सॉफ्टवेयर को ओपन कीजिए और आपको इस तरह से एक विंडो प्रॉम्प्ट होगा। प्रॉम्प्ट होने पे आप यहाँ पे ये ब्लैंक टेम्पलेट ऑप्शन सेलेक्ट करें, नेक्स्ट बटन दबाएं, फिर यहाँ पे आपके जितने भी प्रिंटर्स आप यूज़ कर रहे हैं उन सब की लिस्ट आएगी, वहाँ पे आप यूज़ कीजिए TSC TE 244 या फिर कोई दूसरा मॉडल जो हमने आपको सेल किया हो वो मॉडल आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप बटन दबाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट बटन दबाने पे यूज़ अ प्री डिफाइंड स्टॉक, यहाँ पे आपको आना है। और यहाँ पे आज के इस डेमो में मैं आपको बताने वाला हूँ 2x1 इंच का डेमो। तो मैं यहाँ पे बटन दबा रहा हूँ टू बटन दबाते ही 2 इंच बाई अलग अलग साइजेस के सारे साइजेस आ गए। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं 2x1 इंचज़ का साइज़। और 2x1 इंचज़ का साइज़ में आप देख रहे हैं कि दो वेरियंट्स है, एक है 2x1 और दूसरा है 2x1 2 अप्स। 2 अप्स का मतलब 1 अप एंड 2 अप, ये हो गया अप्स का मतलब, यानी दो एक साथ। ऑलराइट, सो अब करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट बटन दबाएंगे। नेक्स्ट बटन दबाने पे आपको ये सारे फील्ड्स ब्लैंक छोड़ने हैं क्योंकि हम लोग एक प्लेन लेबल वाइट पेपर यूज़ कर रहे हैं, हमारा कोई कॉम्प्लिकेटेड ऑर्डर नहीं है। तो हम यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे और ये हमारी समरी है कि प्रिंटर ये है, साइज़ ये है, अप्स इतने सारे हैं, पेपर का साइज़ ये है, टेम्पलेट का साइज़ ये है। अब हमने दबा दिया फिनिश बटन और ये हो गई कहानी नंबर 1 कंप्लीट, आपका पेपर सेटअप हो गया है। अब इस पेपर में आपको डिज़ाइन डालने हैं, राइट? सो डिज़ाइन कैसे डालने हैं? तो यहाँ पे एक आता है इमेज बटन। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया है तो आपको ये बारटेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर डिज़ाइनिंग करना कोई बड़ा काम नहीं दिखेगा। तो जस्ट आप ये इमेज का बटन दबाइए, इंसर्ट फ्रॉम फाइल डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे हमारा लोगो जो है पहले से डाल के रखा था तो उसे सेलेक्ट कर लिया मैंने। और यहाँ पे जस्ट ये बटन दबाया कि भाई हमें लोगो यहाँ प्लेस करना है, तो यहाँ पे ये लोगो प्लेस हो गया। फिर आप इसे ड्रैग करेंगे, ड्रैग करके हम इसे थोड़ा सेंटर में ले लेते हैं, साइज़ बड़ा कर देते हैं, राइट? अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैं इसे सेंटर से पकड़ रहा हूँ ये एक ग्रिड लाइन दे रहा है।
तो इससे मुझे पता चल जाता है कि हमारा जो लोगो है एकदम पेज के सेंटर पे है। तो इसे यहाँ पे दे दिया, अब लोगो तो आ गया, अब टेक्स्ट भी डालना है। तो टेक्स्ट का लोगो ये रहा हमारा, टेक्स्ट का लोगो, इसे यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, हमारा जो मैटर था मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट, पेस्ट नहीं हो रहा है, ऑलराइट। सो हमारा जो मैटर है एक टेम्पररी जस्ट सैम्पल डेटा मैटर है, उसे यहाँ पे पेस्ट किया। फॉन्ट हमें ये अच्छी नहीं लग रही, चलो फॉन्ट को चेंज कर देते हैं। इसको सेलेक्ट ऑल कीजिए, फिर यहाँ पे आके फॉन्ट चेंज कर दीजिए। फॉन्ट चेंज हो गई, फिर ये जो कर्सर आइकॉन है इसको वापस सेलेक्ट कीजिए और इसे एकदम सेंटर पे ले लीजिए। अब जैसे ही सेंटर पे लिया, वापस ग्रिड लाइन आ गई, तो मुझे पता है कि मेरा लोगो और मेरा जो टेक्स्ट है दोनों ही सेंटर पे है, और इसे छोड़ दिया। अब चाहें तो आप इसे सेव कर सकते हैं, या फिर और बार कोड के कोई भी दूसरी इमेज आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि लेबल का डिज़ाइनिंग आपने कर लिया, लेबल का साइज़ बना दिया, अब प्रिंटर को प्रिंट कैसे भेजना है मैं आपको वो उस चीज़ के बारे में बताता हूँ। तो अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि कैसे प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आप आ जाइए प्रिंट बटन के ऊपर, प्रिंट बटन दबा दीजिए या फिर कंट्रोल पी कर दीजिए। सैम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ 1 क्वांटिटी प्रिंट करेंगे। तो जस्ट यहाँ से कमांड भेजा और यहाँ प्रिंटर से प्रिंट हो गया जस्ट इमीडिएटली विद इन 1 सेकेंड। अब एक और एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कंट्रोल पी दबा के 4 क्वांटिटी प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने डाल दी 4 क्वांटिटी और यहाँ पे प्रिंट का कमांड छोड़ दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रिंट कैसे आया है। तो इस वक्त जो हमने पहला प्रिंट किया था वो कुछ इस तरह से प्रिंट हुआ था, डैमेज हो गया था, आधा प्रिंट कट गया था। वो इसलिए हुआ था क्योंकि पेपर बराबर से अलाइनमेंट नहीं था। जो पहला प्रिंट होता है उसकी ये बीमारी है कि ये पहला प्रिंट ख़राब होता ही है, पर जैसे ही आप दूसरा प्रिंट दोगे वो कुछ इस तरह से प्रिंट करेगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि जो पहला, जब हम पहला प्रिंट प्रिंट कर रहे हैं, जब हमने 1 डाला तो ओनली लेफ्ट हैंड साइड का प्रिंट हुआ, राइट हैंड साइड का स्टिकर वेस्ट हो गया। बट हम जब जब हमने 4 कॉपीज़ का प्रिंट सेट किया तो 1, 2, 3, 4 उसने ऑटोमेटिक ही जो अप्स हैं, अप 1 एंड अप 2, उस अप में 2x2 का ग्रिड बना के प्रिंट कर दिया। तो ये चीज़ जो है ऑटोमेटिक है, आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्रिंटर ऑटोमेटिक अपना काम कर देगा। बट अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो लोगो है अभिषेक लोगो, वो इतनी क्लैरिटी से प्रिंट नहीं हुआ है और थोड़ा हल्का सा आया है, बट जो हमारा MRP हमने लिखा है और डेट लिखा है वो एकदम परफेक्टली प्रिंट हुआ है। तो ये बीमारी को कैसे दूर करें, ये जो डॉट डॉट्स आए हैं हमारे लोगो के ऊपर इसको कैसे रेक्टिफाई करें, तो उसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है, मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। तो अब ये लाइट और डार्क की जो बीमारी है इसको परमानेंटली दूर करने के लिए आप यहाँ पे अपना लोगो को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए प्रॉपर्टीज़, एडिट बटन नहीं दबाना है, प्रॉपर्टीज़ बटन दबाना है। ओके, प्रॉपर्टीज़ बटन दबाते ये विंडो आएगा, ये विंडो में आप जाइए पिक्चर एडजस्टमेंट में और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट नाम से बटन रहेगा, उसको आप कर दीजिए 100%। ब्राइटनेस कर दीजिए -100। और यहाँ से आपने आपने देखा कि जैसे ही मैंने कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस को चेंज किया ये पूरी तरह से ब्लैक हो गया। बट इसको और बेटर कर सकते हैं हम, और बेटर करने के लिए हम लोग यहाँ जो सैचुरेशन लेवल है इसको भी 100 पे खींच देते हैं। ऑलराइट, तो जो ब्लैक है वो एकदम जेट डार्क ब्लैक आएगा और प्रिंटिंग है जो शार्प आएगी। तो इसको कर दीजिए क्लोज़ और ये आपका लोगो ब्लैक में हो गया, आपका टेक्स्ट ब्लैक में हो गया। अब आप सोच रहे होंगे यार मेरा लोगो तो कलर है, इसको मैं ब्लैक क्यों करूँ? तो सर आपका जो प्रिंटर है TSC का प्रिंटर, जो लेबल प्रिंटर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेशनली ब्लैक एंड वाइट ही रहता है। तो भले ही आपका लोगो कलर में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि प्रिंटिंग तो ब्लैक में ही होनी है। तो यहाँ पे हमने ये ऐसे कर दिया। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे हम लोग कंट्रोल पी मार रहे हैं और सिंगल 1 क्वांटिटी का प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ पे इसको प्रिंट को छोड़ रहे हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं छोटा सा आइडिया के लिए। कंट्रोल पी मारा और 6 क्वांटिटी यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो अब देखते हैं कि प्रिंटर में प्रिंट कैसे हुआ है। तो यहाँ से हमने प्रिंट का ऑप्शन दिया और इस तरह से ये प्रिंट आया। जब हमने स्टार्टिंग में प्रिंट किया था बिना कोई सेटिंग किए हुए, बिना कोई प्रॉपर्टीज चेंज किए हुए, तो प्रिंट इस तरह से आया था। अब क्योंकि हमने सेटिंग कर दी है तो प्रिंट ये इस तरह से आ रहा है। आप देख सकते हैं कि लोगो बहुत ही डार्क है, टेक्स्ट बहुत ही डार्क है, काफ़ी शार्प इमेज है और अच्छी तरह से दूर से भी पढ़ने में आ रहा है। तो स्टार्टिंग में हमने दिया था प्रिंट का क्वांटिटी 1, तो यहाँ आ गया क्वांटिटी 1, ये फर्स्ट लेबल प्रिंट हुआ था। उसके बाद में मैंने कहा था आपको कि अब चलो अब एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए 5 लेबल प्रिंट करते हैं। तो हमने 5 लेबल का ऑप्शन दिया तो उसने कैसे प्रिंट किया, 1, 2, 3, 4, 5।
तो यहाँ उसने 5 लेबल आप ऑटोमेटिक प्रिंट कर दिया, और जो छठा जो स्पेस था यहाँ पे इसको ऑटोमेटिक एम्प्टी छोड़ दिया, ये वेस्टेज के अंदर चले गया, ये वेस्ट हो गया। ऑलराइट, सो ये वेस्ट हो गया, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है, इसे भूल जाइए। अब अगला, फिर मैंने आपको कहा कि चलो एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, अब हम सिंगल क्वांटिटी प्रिंट करते हैं। जब हमने सिंगल क्वांटिटी प्रिंट किया तो उसने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया, उसने यहाँ पे प्रिंट किया है, क्योंकि पूरा ग्रिड प्रिंट होगा, पूरी लाइन प्रिंट होगी, बीच में पिछला वाला जो हिस्सा है वो उसको वो छिड़ता नहीं है, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। तो इस तरह से आप अपना स्टिकर लेबल किसी भी साइज़ का रहने दीजिए, चाहे वो 2x2 इंच का रहे, या 2x1 इंच का, या फिर 3x4 इंच, 4x6 इंच, या कोई भी साइज़ का लेबल रहने दीजिए, उसे आप इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, और प्रिंट करने के बाद इस तरह से उसे फाड़ सकते हैं। दैट्स इट, बस बहुत ही सिंपल काम है। इस तरह से आप अपना लेबल निकालेंगे और अपने प्रोडक्ट के ऊपर इसे इस तरह से चिपका देंगे। काफ़ी अच्छा हाई क्वालिटी का स्टिकर है, क्रोमो क्वालिटी हम लोग इसे कहते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। देख रहे हैं आप, मेरी स्किन भी चिपक जा रही है इससे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टिकर है ये। और 90% मार्केट में, चाहे वो ई कॉमर्स में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, या फिर कोई दूसरे तरह के किसी भी शॉप को आप देख लीजिए, वो इसी तरह का क्वालिटी का लेबल यूज़ करते हैं और इसी में प्रिंट करते हैं। एंड अगर आपको हमसे किसी भी तरह का लेबल परचेस करना हो, या लेबल का प्रिंटर परचेस करना हो, या फिर हमारे पूरे शोरूम में से किसी भी तरह का कोई भी आइटम परचेस करना हो, तो नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, हमारे व्हाट्सएप स्टेटस में। साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ, और किसी भी तरह की प्रोडक्ट इंक्वायरी हो तो आप नीचे दिए गए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, 10 से 6 बजे मंडे टू सैटरडे। थैंक यू।